नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज नेशन पे। एक बार फिर ममता बनर्जी मोदी पर बरसी और मोदी को कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर आया होगा क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा और मोदी को इतना बुरा क्यों लगा। बता दूं आपको, बीजेपी पर बरसी है ममता बनर्जी। कहा, सरकार को अपने मंत्रियों पर ही भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस आज जिस तरह से 21 जुलाई को उन्होंने शहीद दिवस मना रही थी और उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस आज 21 जिस तरह जुलाई को शहीद दिवस मना रही थी, पार्टी के गठन के बाद से हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उनका कहना था कि बीजेपी के लोग तानाशाही चाहते हैं, वो कार्यक्रम आयोजित नहीं करने दे रहे हैं। त्रिपुरा में उन्होंने हमारे लोगों को रैली नहीं करने दी, क्या ये लोकतंत्र है? वे चुनाव बाद हिंसा पर चिल्ला रहे हैं, चुनाव बाद कुछ नहीं हुआ, वे देश की संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। बता दूं आपको, ममता ने बीजेपी पर अटैक करते हुए कहा कि सब खेला सभी राज्यों में होगा जब तक कि बीजेपी को देश से हटा नहीं देते। लगभग 16 अगस्त को खेला दिवस मनाएंगे। ममता ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, वो एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ममता का ये भाषण दिल्ली, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में पार्टी मुख्यालय के बाहर एलईडी टीवी पर सुना गया। इसके अलावा गुजरात के 32 जिलों में ममता के भाषण को लाइव टेलीकास्ट किया गया। ममता के इस अभियान में 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा। बता दूं, ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को जिस तरह से शहीद दिवस मनाती हैं, 1993 में कोलकाता में युवा कांग्रेस की रैली में मारे गए 13 लोगों को याद करने के लिए ये मनाया जाता है। पार्टी के विस्तार को देखते हुए टीएमसी ने ममता बनर्जी के संबोधन को पूरे पश्चिम बंगाल में प्रसारित करने का फैसला किया और पहली बार तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा और चुनाव वाले गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी प्रसारित किया गया था। यानी कि ममता बनर्जी का जो ये आरोप है, उन्होंने कहा है कि मोदी को अपने मंत्रियों पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जो ये पेगासस वाला मामला आया था, पेगासस ऐप वाला जिसमें कॉल ट्रैक की जा रही थी, उसको लेकर ममता बनर्जी ने ऐसे बयान दिए हैं। ममता बनर्जी खुद को पता नहीं कितनी हिंसा करवाती हैं, कितने पेगासस सॉफ्टवेयर उनके पास होंगे जो खुद मंत्रियों की जासूसी करती हैं, फ़ोन करती हैं, उसके बाद उन लोगों से ऐसे ऐसे बातें करती हैं कि कहीं ना कहीं शर्म आती है पार्टी का नाम लेते हुए। लेकिन ममता बनर्जी ने आज नरेंद्र मोदी को जमकर फटकार लगाई है। उनके कहने का मतलब यही था कि आखिरकार जब अपने मंत्रियों पर विश्वास ही नहीं, तो आखिरकार उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों रखा गया? उसके पीछे कई सारी बड़ी वजह हैं। शायद कुछ लोग को यही पता है कि नरेंद्र मोदी अपने उनकी जासूसी कर रहे थे, लेकिन मेन सच्चाई क्या है शायद वो किसी को पता नहीं है। इस तरह से आज ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो सच्चाई जो है जनता के सामने पहुंचती है। अब बता दूं आपको, हम आपको ले चलते किसान आंदोलन और दिखाते हैं ट्रैक्टर तैयार रहे, कोई भी हरकत कर सकती है दिल्ली, जब किसानों से बोले राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली पुलिस कभी भी हमला बोल सकती है। सोचिए कि इन्होंने लाल किले पर जाकर दबंगई की, लाल किले पर जाकर हिंसा की, तब भी दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज इन्हें डर लग रहा है दिल्ली पुलिस से। बता दूं आपको, जिस तरह से